के अनेक रूप। रह के अनेक रूप जिन्हें विभिन्न रूप भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में र वर्ण का विशेष स्थान है क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में कई तरीकों से किया जाता है। हम र वर्ण के अनेक रूपों के बारे में उदाहरणों द्वारा जानेंगे। व्यंजनों में अंतस्थ व्यंजन र के विभिन्न रूप होते हैं। र के संयोग में ही सबसे अधिक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अतः र के प्रयोग में गलतियां न हो उसके लिए र के संयोग के कुछ नियम है जिसको जानना अत्यंत आवश्यक होता है। र के संयोग के निम्नलिखित नियम है। जब र स्वर रहित हो अर्थात स्वर के बिना हो तथा उसे किसी अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाए तो इस र को अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप र प्लस य आर्य, र प्लस श दर्शन। परव शब्द में र व वर्ण के पहले आने के कारण उसे व के ऊपर लगाया गया है अतः शब्द बना पर्व। अब हम रेफ लगाने के अन्य कुछ नियमों को भी पढ़ेंगे। रेफ कभी भी स्वरों पर नहीं लगाया जाता है अर्थात अ के ऊपर या आ के ऊपर जैसे अन्य स्वरों के ऊपर कभी भी रेफ लगाया नहीं जाता है। रेफ को आधे वर्ण पर भी नहीं लगाया जाता है। रेफ को जिस वर्ण से ठीक पहले बोला जाता है उसी के ऊपर उसे लगाया जाता है। रेफ को कभी भी शब्द के पहले वर्ण में नहीं लगाया जाता है। र यदि स्वर सहित हो, सहित मतलब स्वर के साथ हो, और र से पूर्व कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो र की पदेन मात्रा को लगाया जाता है। पदेन मात्रा मतलब पैरों में। र को व्यंजन के पैरों में लिखा जाता है। खड़ी रेखा वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है उसे ही पदेन मात्रा कहते हैं। उदाहरण देखिए क प्लस र क्र जिससे शब्द बना चक्र और क्रम। वैसे ही ग प्लस र ग्र ग्राम ग्रंथ। प प्लस र प्र प्रकाश प्रथम। इसमें र को तिरछी रेखा के रूप में क के नीचे लगाया गया है इसे पदेन मात्रा कहते हैं। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ट और ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे अंग्रेजी के वी उल्टे वी के रूप में जुड़ता है। उदाहरण स्वरूप ट प्लस र ट्र शब्द बना ट्रक और ट्रेन। ड प्लस र ड्र और शब्द बना ड्रामा और ड्रम। र के संयोग के अन्य और भी नियम हैं जैसे श के साथ र का संयोग होने पर श्र हो जाता है। जैसे श प्लस र श्र शब्द बनते हैं श्रम श्रीमती श्रद्धा तथा स के साथ र का संयोग होने पर स्त्र हो जाता है। जैसे स प्लस र स्र और शब्द बनता है स्रोत सहस्र आदि। अंत में हम और एक शब्द पढ़ेंगे जैसे कृपा। इसमें र की ध्वनि उच्चरित हो रही है लेकिन यह र का रूप नहीं है यह री की मात्रा है। जैसे प प्लस री प्लस श प्लस ठ प्लस अ बना पृष्ठ। इसमें प के नीचे री की मात्रा लगाई गई है। वैसे ही द प्लस द्री प्लस श प्लस य प्लस अ दृश्य। क प्लस री प्लस प प्लस आ कृपा। अंत में ध्यान रखने योग्य बातें। पदेन र और री की मात्रा में अंतर होता है। दोनों के प्रयोग प
पूर्ण रूप से भिन्न है। इनके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में भी अंतर होता है। जैसे ग प्लस र ग्रह, जिससे शब्द बना ग्रह और ग्राम। फिर ग प्लस री ग्री, जिससे शब्द बना गृह और गृहिणी। इसमें पहले वाले ग में र के पदेन मात्रा को लगाया गया है, इसलिए इसको उच्चरित करेंगे ग्रह, और दूसरे वाले में ग के साथ री की मात्रा लगाई गई है, इसलिए इसको हम लोग ग्री पढ़ेंगे। ग्रह शब्द का अर्थ होता है आकाश में घूमने वाला एक पिंड, और गृह शब्द का अर्थ होता है घर। द्य तथा ध में अंतर होता है। द्य तथा ध में भ्रम न हो, इसलिए इसको मानक रूप में, जिस पर द के नीचे हलंत लगाया जाता है, द्य के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज र के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग कर लिखने की विधि वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर और स्वरों को अलग लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, पुस्तक, जिसमें प प्लस उ, स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसमें स आधा होने के कारण इसमें ये अ रहित है। वैसे ही तृष्णा, त प्लस री प्लस श प्लस न प्लस आ। फिर मित्रता, म प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ। तो इस प्रकार एक एक वर्णों को अलग करना, इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। इसी के साथ हमारी र के अनेक या विभिन्न रूप के विषय में चर्चा तथा वर्ण विच्छेद के ऊपर चर्चा पूरी होती है। आगे अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के अंतर्गत बलाघात, संगम आदि पर बात करेंगे। धन्यवाद।